शाम के 7 बजने को हैं और वक्त हो चुका है सत्यमेव जयते का। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन सियासी तोड़फोड़ जरूर शुरू हो चुकी है। सियासी जो गलियारे हैं उनमें हलचल शुरू हो चुकी है। अब इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर आना शुरू हो चुके हैं। और सबसे पहले इस काम में जो चुनावी शुभारंभ किया है वो क्या है, समाजवादी पार्टी। तो आज समाजवादी पार्टी में 7 विधायक, कुल 7 विधायक शामिल हुए। इसमें से 6 विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के और 1 विधायक थे बीजेपी के। तो आज 7 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अखिलेश यादव ने इन सभी को पार्टी में सदस्यता ग्रहण कराई है। तो ये सियासी भगदड़ जो मची है, ये आज की सबसे बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। चुनाव सर पर है, आने वाले 4 महीने में चुनाव आ जाएंगे और ऐसे में जो विधायकों का जो आना जाना है वो शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि पहली कोई राजनीति में पहली दफा हो, ये आम सी बात है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव हो या कहीं के भी चुनाव हो, ऐसी चीजें आम होती हैं देखना। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अगर लिहाज से देखा जाए, अगर परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, तो क्या ये महत्वपूर्ण हो सकता है? 2017 के चुनावों में जब NDA को 325 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थी, जबकि उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी और बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें मिली थी। 19 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, लेकिन काफ़ी विधायक उनकी पार्टी से या तो निकाले जा चुके हैं या फिर कहूं कि जा चुके हैं, तो लगभग जो सीटें हैं वो खाली हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब चुनाव मैदान में सभी जो चेहरे हैं वो सामने हैं। इस बार प्रियंका गांधी कांग्रेस उत्तर प्रदेश को लीड कर रही हैं और बड़ी मजबूती के साथ लीड कर रही है। हालांकि उन्होंने 40% महिलाओं को जो टिकट देने की बात है वो कह दी है। इसके साथ ही भावनात्मक रूप से वो जनता के साथ जोड़ने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव के पास सिर्फ बातें हैं, उनके राज में जो कुछ होता रहा वो सभी ने देखा है। ऐसे में जनता ने उनको चुना और उन्होंने बहुत बेहतरीन शानदार काम किया है। वहीं अखिलेश यादव ने आज कहा कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है और जो बीजेपी है वो दरअसल वही कांग्रेस है। तो ये आज अखिलेश यादव की तरह से जो बम था वो फोड़ा गया था और इस बम फोड़े जाने के चलते 7 विधायक उनकी झोली में आके रहे हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है, इसी पर चर्चा करेंगे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। इन तमाम मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा। विजय खैरा साहब हमारे साथ होंगे, हमाम वाहिद साहब हमारे साथ होंगे, नेता हैं कांग्रेस से अरविंद कटारिया साहब होंगे, नेता हैं समाजवादी पार्टी से राहुल तलान साहब होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो हमारे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे, इनसे हम बातचीत करें। तो इनसे हम बातचीत करेंगे, जी बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी लोग, सभी मेहमान जुड़ेंगे। तो आज की जो सबसे बड़ी राजनीतिक जो घटना है वो यही है कि 7 विधायक BSP से और BJP से आज टूट कर समाजवादी पार्टी के खेमे में आ चुके हैं। मतलब अब ये सभी के सभी विधायक जो कल तक हाथी पर सवार थे या फिर कमल का फूल लेकर घूम रहे थे, अब ये सब साइकिल की सवारी करेंगे। तो अब ये साइकिल पर सवार होकर चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। लेकिन सवाल यही है कि चुनावों से पहले जो ये इधर से जाना उधर और उधर से जाना इधर, ये जो सिलसिला जो शुरू होता है ये इस बार शुरू हो चुका है और ये शुरुआत हुई है सपा के साथ। तो सपा +7 के साथ इस बार मैदान में आ चुकी है, जो शुरुआती जो तोड़फोड़ हुई है उसमें। लेकिन क्या ये समाजवादी पार्टी को कोई फायदा दे पाएगी? क्या एक विधायक जो बीजेपी का आज खिसक कर समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया है, क्या ये बीजेपी को कोई झटका दे पाएगी? या फिर बहुजन समाज पार्टी जिसके सारे के सारे विधायक लगभग समाप्त होने की कगार पर है, तो क्या BSP पार्टी के पास कुछ आखिर में बचेगा भी या नहीं बचेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस के पास जब है ही नहीं तो फिर बचेगा क्या? तो ऐसे में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय खैरा साहब हैं, सबसे आपका तारुफ करा देता हूं। विजय खैरा साहब हैं प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमाम वाहिद साहब हैं नेता हैं कांग्रेस के, अरविंद कटारिया साहब हैं नेता हैं समाजवादी पार्टी के और राहुल तलान साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सत्यमेव जयते में। सबसे पहले तो मैं अरविंद कटारिया साहब आपके पास आना चाहूंगा। अरविंद कटारिया साहब, आपकी झोली में आज 7 विधायक तो आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है पश्चिम बंगाल के चुनाव अभी आकर गए हैं, तो पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान देखा गया कि किस तरीके से TMC के कद्दावर और बड़े नेता BJP में शामिल होते चले गए, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी में जो आज 7 विधायक जो अन्य दलों से आए हैं, ये आपको कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं? कविंदर जी, जो आप बंगाल की बात कर रहे हैं, जब वोट और पैसे के दम पर लोगों को फोड़ा जाता है तो ऐसा कार्य कभी भी पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाता है।
बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे उनके टीएमसी के विधायकों को लालच देकर उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाने के लिए, और बंगाल सरकार में जब उनकी सरकार बन जाएगी किसी को गृह मंत्री किसी को ऊर्जा मंत्री इस तरह के आश्वासन देकर उनको लालच देकर फोड़ा था। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में लगातार देख रहे हैं, आज तो ये आप इसे पहली घटना बता रहे हैं, इसके पहले भी लालजी वर्मा, सुखदेव राजभर जी के बेटे और तिलक चंद अरवार, बहुत सारे ऐसे बसपा के लोग आ चुके हैं समाजवादी पार्टी में, जो मतलब ये दर्शा रहा है कि ये जो भगदड़ है, ये जो हुआ कोई मची है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये साबित कर रहा है कि जनाधार इस समय समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। और जो विधायक आ रहे हैं, आप यकीन मानिए, आप तो एक एंकर है और बड़े पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं कि किसी भी विधायक पर कोई उनको लालच नहीं दिया जा रहा, किसी तरह का दबाव नहीं है। समता मूलक समाज के लिए, समता और समानता के लिए, भाईचारा के लिए, और उत्तर प्रदेश और भारत के राजनीति को सुनिश्चित करने के लिए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सभी लोग समाजवादी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा, और वो सम्मान के सहित वापस आ रहे हैं और अपना सम्मान बचाने के लिए वापस आ रहे हैं समाजवादी पार्टी। ठीक है, अरविंद कटारिया साहब, आपने सवाल को एक बार थोड़ा सा और अपने सवाल को विस्तार देता हूं। आपने कहा कि भविष्य नहीं देख रहे हैं इसलिए अब सपा में आ रहे हैं, लेकिन अगर हमने ऐसा देखा था पश्चिम बंगाल के चुनावों में कि जब बीजेपी हार गई, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो फिर वापसी भी कर ली उन लोगों ने। जी मैम, मैंने कविंदर जी इसका आपको जवाब दिया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ये आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री और तमाम प्रकार के लोगों को पदों का लालच दिया था, कुछ लोगों को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का लालच दिया था, पैसे से फोड़े गए थे और उनके पर ईडी और सीआईडी और बहुत सारे मतलब जो है समस्याओं से डरा के उनको, आप कह रहे हैं कि लालच के सहारे वहां लिया गया था। जी जी, और यहाँ पर दबाव भी था, ईडी का दबाव था, सीबीआई का दबाव था, बहुत सारे दबाव थे, लोग डरे हुए थे और उनको डरा के, किसी को पैसे से लालच करके धमका के, किसी को पदों का लालच देके डरा है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में इस तरह का आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय किसी से कहने नहीं जाते कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, लोग स्वेच्छा से अपनी पार्टी में, हमारी पार्टी में आ रहे हैं, अपने मन से आ रहे हैं, और किसी भी विधायक को कोई ऐसा लालच नहीं दिया जा रहा है कि आपको ये पद मिलेगा या आपको मंत्री बनाया जाएगा। बस ये कहा जा रहा है कि सभी का सम्मान है, आप समता मूलक समाज के लिए, समता और समानता के लिए आप आइए और इस देश के लोकतंत्र को बचाइए, इस देश के संविधान को बचाइए। ठीक है, हमाम वाहिद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमाम वाहिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आज जिस तरीके से आपने देखा कि 7 लोग समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हो गए, तो इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता इस तरीके से सत्ता लोभियों को और जो बार बार दल बदलू लोग हैं उससे अच्छी तरीके से पहचान रही है। जो प्रकाष्ठा, जो इतिहास, जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, तोड़ फोड़ की राजनीति, उसी के कदम पर अखिलेश यादव चल रहे हैं। जबकि 2022 का जो चुनाव है वो एक निर्णायक चुनाव है। जनता 2017 के बाद से वो नौजवान जिनको लाठियां मिली है रोजगार नाम मांगने पर उनके साथ कौन खड़ा है? और आपने देखा होगा 2017 के बाद से लगातार सड़क से संसद तक अगर कोई संघर्ष करने वाला दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमारे कांग्रेस के 1,00,000 कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज किए गए। उस समय जब जनता पे तमाम तरह की समस्याएं आई, जनता के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी अपोजिशन पार्टियां की थी, तो कुछ पार्टियों ने महलों का सहारा लिया, कुछ ने ट्विटर का सहारा लिया। तो इस बार जो 2022 का चुनाव है वो कांग्रेस की प्रतिज्ञा पे मुहर लगेगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा 20,00,000 रोजगार, क्योंकि योगी सरकार ने जो 14,00,000 प्रतिवर्ष रोजगार देने का वाद किया था और 4,25,00,000 रोजगार देने का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन जब इनसे पूछा जाता है तो इनके पास ना कोई आंकड़ा है ना कोई, झूठे आंकड़े पेश करने में भारतीय जनता पार्टी मस्त है। इस बार जनता जान चुकी है, इससे पहले जनता ने 2007 में बहुजन समाज पार्टी को दिया था मैंडेट, फिर अखिलेश यादव की सरकार देखा, फिर भारतीय जनता पार्टी के हमेशा उसको निराशा मिली है। कांग्रेस एक आशा की उम्मीद से इस बार 2022 के चुनाव में आ रहे। ठीक है, हालांकि देखिए सियासत में हर चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, इससे मैं वाकिफ हूँ, हर चीज़ ग्रे में होती है। लेकिन एक चीज़ बताइएगा वाहिद साहब कि
आज समाजवादी पार्टी ने, आप कह रहे हैं कि जैसा बीजेपी ने शुरू किया था तोड़फोड़ की राजनीति, उसी कदम ताल करते हुए वहीं पर समाजवादी पार्टी भी वही कर रही है, तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि बीजेपी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही बीजेपी है, तो जनता क्या समझे? ये तो आप देख रहे होंगे कि 2017 के बाद ही से अगर ले लिया जाए तो एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता में है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे मैंडेट दिया है सरकार चलाने का, और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो अखिलेश यादव की पार्टी है जो उत्तर प्रदेश की अपोजिशन पार्टी है। अब हम बताना बिल्कुल नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में और देश में जो सरकारें होती है उनका क्या काम होता है और जो अपोजिशन में जमात होती है उनका क्या काम होता है। क्या ईमानदारी से बताइए कि अखिलेश यादव ने 2017 के बाद से जो जनता के मुद्दे थे जिसपे लड़ने की जिम्मेदारी थी, जिसपे धरना प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी थी, जिसपे उत्तर प्रदेश की कुशासन की सरकार और जन विरोधी सरकार को घेरने की जिम्मेदारी थी, वो मुकम्मल तौर पर अखिलेश यादव जी ने किया कि नहीं किया? अगर किसी ने अपोजिशन की जिम्मेदारी निभाई है तो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रहती है कि जनता अगर हमें मैंडेट देगी सरकार चलाने के लिए मौका देगी तो हम सरकार चलाएंगे, और अपोजिशन का अगर हमें मौका देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है जो गांव गरीब किसान नौजवान, अगर हम अपोजिशन में रहेंगे तो अपोजिशन के जो मुद्दे हैं उसको पूरी मजबूती से उठाने का काम किया जाएगा, ना हमारे कार्यकर्ता डरने वाले ना हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी डरने वाले। ठीक है विजय खैरा साहब, आपने अरविंद कटारिया जी को भी सुन लिया और हमाम वाहिद साहब को भी सुन लिया, दोनों ही अपने अपने पक्ष रख चुके हैं, लेकिन विजय खैरा साहब ये पूछना चाहूंगा, इतनी विशालकाय पार्टी, हर चीज से संपन्न, धन से संपन्न, बल से संपन्न, कार्यकर्ताओं से संपन्न, हर चीज से संपन्न, और आप कह रहे हैं कि 300 प्लस सीटें भी आएंगी इस बार, सत्ता भी आपके हाथ, लेकिन ऐसे में आपका एक विधायक भी अगर आपको छोड़कर विपक्षी दल में जाता है तो इस संकट की स्थिति आपको लगती है और भी भगदड़ देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर? आपने अक्सर चुनाव के पहले लोगों को दल बदलते हुए देखा होगा कि, लेकिन कई बार कारण होते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, हो सकता है इस तरह के कारण तो सुने थे, पर ये कभी नहीं देखा था कोई पार्टी जो कचरा बना के किसी को फेंक दे तो दूसरी पार्टी उसको समेटने लगे। बीएसपी के 6 विधायक निकाले हुए विधायक हैं जिनका बीएसपी में अब कोई महत्व नहीं था, ना कोई उनका वर्चस्व था, ना उनका भविष्य था, तो बीजेपी बीएसपी के वो कचड़े थे जिस कचड़े को कचड़े में जाना था कचड़े में पहुंच गया, यही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब किसी विधायक ने विरोध किया पार्टी के किसी पॉलिसी का, किसी निर्णय का खुलेआम, तो पक्का था कि वो पार्टी का कचरा हो गया, पार्टी से बाहर जाएगा। तो एक साल से लगा हुआ था समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों के टच में, हमने उसकी परवाह नहीं की क्योंकि उसको हमको टिकट देने वाले थे ही नहीं। तो अगर जिसको हम कचरा समझते हैं और समाजवादी पार्टी उसको समेट के ये समझती है हमने कचरा रख के बड़ा भारी काम कर लिया तो आश्चर्य की बात है। ठीक है विजय खैरा साहब, सुनने दीजिए, हमको खुश है ही है। ठीक है चलिए राहुल तालान साहब के पास आऊंगा। राहुल तालान जी, ये समझना चाहूंगा, जैसे अभी विजय खैरा साहब ने कहा कि हमारे पास से जो छूट कर दूसरी पार्टी में चले गए वो दरअसल कचड़ा थे, ऐसा ही हमने एक बार और देखा था इससे पहले जब जतिन प्रसाद साहब बीजेपी में आए थे तो कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल से उससे कहा जा रहा था कि वो तो हमारे यहाँ से कचड़ा हो चुके थे, ठीक है वो वहां पहुंच गए, तो जब ये लोग छोड़कर चले जाते हैं तो इन्हीं के लोग, इन्हीं की पार्टी के लोग किस तरीके से कचड़ा थे, यहां पर जरूरत ही नहीं थी, ठीक है बेकार हो चुके थे, तो ये क्या है, राजनीति का कौन सा रूप है ये? देखिए राजनीति में नीति तो कुछ होती नहीं है, सिर्फ राज हासिल करने का तरीका है, नीति कुछ नहीं है। यहाँ देखिए अगर जो वो विचारधारा से जुड़े हुए थे राठौर साहब बीजेपी से तो छोड़ के क्यों गए, सवाल ये, अगर जो बीएसपी की विचारधारा से जुड़े हुए थे, दलित और पिछड़ों का भला करना चाहते थे तो वो बीएसपी से निकाले गए, या फिर वो निकाल भी दिए गए तो वो छोड़ के क्यों चले गए समाजवादी पार्टी में? तो जो राजनीति में जितने भी लोग हैं, देखिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनमें नैतिकता है और जो इलेक्टेड होने के लिए नहीं चाहते हैं कि अगर जो कि हम अपनी विचारधारा से जुड़े रहेंगे चाहे हमें पार्टी टिकट दे या नहीं दे, ऐसे आपको बहुत सारे कम लोग, बहुत कम लोग मिलेंगे राजनीति में। तो राजनीति में नीति कुछ नहीं है, सिर्फ राज हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता हो सकता है, तरीका हो सकता है कि वो इलेक्टेड होने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो जो आज छोड़ के गए थे ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली इलेक्शन में, ये सबको पता है। तो जिनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगी वो समाजवादी पार्टी से टिकट हासिल करके वहां से
चुनाव लड़ लेंगे और हो सकता है जीत भी जाएं, लेकिन सबसे सवाल तब उठता है कि चाहे बीजेपी सही, कांग्रेस सही या फिर समाजवादी पार्टी सही, कि अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके आप किसी इंपोर्टेड दूसरी पार्टी से विधायक आ गया, वो विधायक है पहले और फिर उसी को टिकट दे देते हैं, जो आपके लिए जमीन पे बूथ पे काम कर रहे हैं उनको आप इग्नोर कर देते हैं, जैसे किसी समाजवादी पार्टी में अब जहां से राठौर कार्यकर्ताओं की तो तलान साहब स्थिति आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, हमारे साथ जो अन्य तीन नेता जुड़े हैं वो भी समझते हैं कि कल तक समाजवादी पार्टी और बसपा के जो कार्यकर्ता थे, जमीनी कार्यकर्ता थे, आपस में ही लड़ते थे। एक समय ऐसा आ गया कि आपस में एक दूसरे को साथ में लेकर मोटरसाइकिल पर जाना पड़ता था, एक ही झंडा पकड़ना पड़ता था। तो ये स्थिति तो कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेता कभी भी ले आते हैं, उस तो वाकिफ हैं ये सभी लोग। ठीक है अरविंद कटारिया साहब, आपने सुना कि विजय खैरा साहब ने कहा कि जितना कचरा हम यहाँ से निकाल रहे थे, बसपा ने जितना निकाला आपने रख लिया, हमारे यहाँ भी एक जो विधायक जी थे वो कचरा हो चुके थे इनके लिए, ऐसा कहा विजय खैरा साहब ने, वो आपने रख लिया, तो आप दरअसल कचरे को समेट रहे हैं। कविंदर जी, जिस ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखा, उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि चार सालों में इन दोनों लोगों के बीच में क्या चल रहा है। जिस जिम्मेदारी के साथ इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को कचरा बताया, नहीं बीजेपी वही एक रिश्ता ऐसा है, वही रिश्ता ऐसा है, जनता जनार्दन को यह सब पता चल चुका है कि ये किस लोगों के साथ मिले हुए हैं और उत्तर प्रदेश में क्या खेल चल रहा है। इसी वजह से इस देश की अस्मत को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के विधायक छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ बिना शर्त गए हुए हैं। सिर्फ उनको इस देश की इज्जत, आबरू और इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए वो लोग गए हुए हैं। और कल को अगर आप समझ लीजिए, और कल को अगर अरविंद कटारिया साहब बुआ बबुआ अगर एक साथ आ जाए तो फिर बड़ी उनकी स्थिति बन जाती है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी पार्टी के जिला के जिलाध्यक्ष जो बसपा में हुआ करते थे सपा में चले जाते थे, सपा में जो हुआ करते थे वो बसपा में चले जाते थे, बाद में अखिलेश जी और मायावती जी एक साथ आ गई, तो उन्हीं को समझ में नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। हाँ जी कविंदर जी, कभी कभी देखिए दो चार विधायकों के तो रिश्ते खराब होते पार्टी में, हर पार्टी में होता है, लेकिन जब बड़ी संख्या में जब भगदड़ मच जाए, ठीक ना, तो आप समझ सकते हो उत्तर प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है। लगभग 4.5 साल होने जा रहे हैं, पूरी जनता जान चुकी है, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, ओबीसी के बच्चों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, शिक्षा व्यवस्था चौपट जानबूझ के इन लोगों ने विद्यालय बंद कर रखे हैं। आज दिन तक किसी भी विद्यालय, किसी भी प्राइवेट स्कूल को एक आदेश नहीं दिया गया है TWS बच्चे तक के आप 20% या 10% पैसे माफ कर दिए जाए। प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक और प्रिंसिपल लगातार लोगों पे दबाव बनाइए, लगातार लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार कर क्या रही है? ठीक है विजय खैरा साहब, बताइए उत्तर प्रदेश सरकार आखिर कर क्या रही है। विजय खैरा साहब ये कह रहे हैं कि लोगों को पता लग गया है, भगदड़ इसलिए दिख रही है, भगदड़ इसलिए मच गई है क्योंकि आपकी स्थिति खराब हो गई है। ठीक है विजय खैरा साहब जवाब दे रहे हैं, अरविंद जी विजय खैरा साहब जवाब दे रहे हैं। विजय खैरा साहब, अरविंद साहब कह रहे हैं कि भगदड़ इसलिए मच रही है क्योंकि स्थिति खराब हो चुकी है, जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है कि कौन आने वाला है। एक मिनट नेटवर्क के। जी विजय खैरा साहब, अब विजय खैरा साहब मेरा क्या, मेरी आवाज हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत शानदार आ रही है, मेरी आवाज सुनाई क्या? समय ज्यादा बचा नहीं। नहीं अरविंद जी, खैरा साहब मेरी आवाज है क्या? नहीं विजय खैरा साहब बड़ी शानदार तरीके से आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, एक तो ये है, कचड़ा मैं उसको नहीं कह सकता हूँ, अगर कोई विधायक हमारे से चला जाए वो कचड़ा नहीं है। अरे अभी तो आपने वो है जिसको निकाल दिया गया हो या जिसको निकालने की संभावना, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, जिसको जो समाजवादी पार्टी में गए हैं उनको आपने कचरा कहा, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी ये कह रहे ठीक हमने किया क्या है, हमने किया क्या है बताने में तो निकल जाएगा पूरा दिन, फिलहाल इतना ही बता देते बिजली नहीं दे पाते थे आपके विधायक राकेश राठौर जी, आप बिजली नहीं दे पाते थे, पार्टी में उनका कोई आदर नहीं था, कोई रिस्पेक्ट नहीं था, और आपके पार्टी में कई सारे समाजवादी पार्टी के शासन में चल नहीं रही है, किसान को बिजली नहीं मिलती थी, बिजली 12 घंटे 14 घंटे आती थी, हम 20 घंटे बिजली देते हैं, अभी तक 65 साल में कुल 22,000 मेगावाट बिजली बनती थी, हमने कर दी 28,000
6000 मेगावाट बिजली हमने बढ़ा दी है। खैरा साहब, लोग कृषि बिजली देने का वादा कर रहे हैं। एक बात है, अरे बाद में बोलना, बाद में बोलना, बाद में बोलना, बाद में बोलना। जब अगर आपकी पोल खुलने लगे तो डिस्टर्ब मत कीजिएगा आप, कृपा करके। अरे साहब, पोल खुले तो उसका जवाब दीजिएगा, बिल्कुल इज्जत के साथ हम सुनेंगे। अरविंद जी सुन लीजिए, लेकिन आप बीच में बोल के गड़बड़ मत करिए। 22,000 मेगावाट बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, हमने 28,000 बना ली, 626 हमने बना दिए नए 11 और 33 केवी के सब स्टेशन। एक बात की बात नहीं है, एमएसपी आप दे नहीं पाए, हमने दीवी और डबल दिए है। एमएसपी आप कभी दे नहीं पाए। आपने खैरा साहब, आपने बिजली दे दी, आपने एमएसपी दे दी, ठीक है। एमएसपी को लेकर किसान भी सड़कों पर है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आप उससे घिरे हुए हैं। इसके साथ ही खैरा जी, आपका जो सवाल है वो दरअसल ये है सिर्फ कि आपके एक विधायक की समाजवादी पार्टी ने क्यों कर दिया। अरविंद जी, मरीज को रोग के लिए 5-5 लाख रुपया दिए हमने, करोड़ों मरीजों के लिए हिंदुस्तान में। अब जी नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य पे आपकी सरकार, यहाँ ज्यादा बोलने से चुनाव नहीं जीत जाएंगे। रुकिए, क्या आप कोरोना की बात करो, हम चाहते हैं आप कृषि बिल की बात करके जनता में जाओ, तो आपको पता लगेगा कि कृषि बिल है क्या। थोड़े से दलालों की वजह से 85% किसानों का भला हम रोक देंगे? नहीं रोकेंगे। चिल्लाइए आप कृषि बिल रहेगा। ठीक है, विजय खैरा साहब की आवाज़ भी थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से शायद अटक गई है। चलिए कोई, ठीक है। तो फिर हमाम वाहिद साहब, ये बताइए कि इन्होंने कहा कि खैरा साहब ऐसा जब बता रहे थे कि जो कचरा थे वो जाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। आपके यहाँ से भी, मलिक परिवार से भी दो लोग गए हैं, एक तो खुद एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा थे प्रियंका गांधी जी की, तो वो लोग भी गए हैं। तो आप उनको किस नज़र से देखते हैं, आप उनको क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैंने पहले ही कह दिया, जो सत्ता लोभी है, अच्छा, आप सत्ता लोभी के लालच में दल बदलू है, उसको जनता माफ नहीं करेगी, और जनता देख रही है। और कांग्रेस पार्टी है में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी अपने उसूल और अपने जवाबी से चलती है। और हमारी जो प्रतिज्ञा है, श्रीमती प्रियंका गांधी ने जो प्रतिज्ञा की है, 20 लाख रोजगार, हम उसमें चुनाव मैदान में जाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, नहीं, एक बात बताइए, ठीक है, हम अगर नेताओं को दल बदलू मान सकते हैं, ठीक है, एक बहुत डायरेक्ट सवाल है मेरा वाहिद साहब, कि अगर हम नेताओं को दल बदलू मान सकते हैं तो हम पार्टियों को क्यों ना माने दल बदलू, हम पार्टियों को बदलू क्यों ना माने। आप एक बात बताइए, जब राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ बैठकर प्रचार करते थे और यूपी को ये साथ पसंद है, दो लड़के पसंद हैं, ये सब तरीके के नारे जब चलते थे, हवाओं में दौड़ते थे, सियासी हलचल पैदा करते थे, तो आज आप दोनों ही एक दूसरे के सामने हैं, तो आप भी तो एक तरीके से बदले हुए हुए ना, आप भी तो बदलू हैं। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस कल उनके गले में हाथ डालकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज एक दूसरे पर वाड़ छोड़ते हैं, तो आप भी तो बदलू हैं। राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार कोई भी निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है, फिर वो लोभी कैसे हुए, और आप जो करें वो परिस्थिति के हिसाब से निर्णय है, और वो जो करते हैं, जो एक नेता करता है, प्राथमिकता प्रदेश का विकास होना चाहिए, प्राथमिकता प्रदेश की युवाओं के रोजगार। अगर हम युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और किसानों की खुशहाली और उन्नति के लिए किसी दल से गठबंधन करते हैं या किसी दल के साथ जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का कोई समझबूझ के लिया गया हुआ निर्णय था, ठीक है। तो व्यक्तिगत निर्णय भी, बहुत सोच समझ कर लिया जा सकता है। उसको कचरा बोलना, उसको बोलना कि वो दल बदलू था, लोभी था, ये क्या है ये सब, ये बताइएगा। ये थोड़ा सा अपमानजनक शब्द है कचरा, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। जाहिर सी बात है, चुनाव में किसी भी दल में जाने का लोगों का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, और अगर वो जिस भी नियत से वो गए हैं, ये तो आने वाला जो 2022, आपने कहा कि कचरा जो शब्द है वो ठीक नहीं है, लेकिन जो सत्ता लोभी शब्द है वो सम्मानपूर्ण शब्द है। बिल्कुल सम्मानपूर्ण शब्द नहीं है। सत्ता लोभी लोग जो सत्ता के चक्कर में जाते हैं दल बदल के, तो उसको जनता माफ नहीं करेगी, ठीक है। तो 2017 में आप, 2017 में आप अखिलेश यादव के साथ थे, आज अखिलेश यादव के खिलाफ है, तो आप भी तो बदलू हैं। मैंने पहले कह दिया ना, कांग्रेस पार्टी जो भी करती है वो जनता के लिए करती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा, अच्छा, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है,
स्वास्थ्य विभाग से लेके बिजली विभाग का हर चीज बिल्कुल फेल हो चुकी है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बिजली के सब स्टेशन की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक भी स्टेशन का ये नाम बताए, चार चार एक्सप्रेसवे का प्रचार हो रहा है, कहां है आज तक किसी को मालूम नहीं। मेडिकल कॉलेज के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। विजय खेरा साहब सिर्फ एक नाम पूछा है, एक सेकंड, सिर्फ एक नाम पूछा, एक नाम है, ठीक है, एक नाम पूछा है विजय खेरा साहब, सिर्फ एक नाम पूछा है। अरे वाहिद साहब आपने एक नाम पूछा, सिर्फ एक नाम पूछ लेता हूँ। विजय खेरा साहब कोई एक नाम पूछ रही है, अरे हर जिले में है, दो दो तीन तीन नाम क्या बता रहे हैं, एक बता दीजिए, एक बता दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे, एक बता दीजिए, संतुष्टि दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपसे, ये तो बहुत छोटी बात है, ये पूछ रहे हैं, बहुत छोटी बात बता दीजिए। विधानसभा में एक सेकंड आप लगाइए ना मोशन, आप मोशन लगाइए, हमने तो चिल्ला के कहा है ना, लगाइए आप क्वेश्चन, लगाइए ना आरटीआई, नहीं के लगा पाओगे, अभी बोलोगे बीच में नहीं, आपने कॉपी पेस्ट किया है, आप बेंगाल के फोटो को कॉपी पेस्ट करके उत्तर प्रदेश की विकास की बात करते हैं, जनता देख रही है सब कुछ। अब सुनिए, ये उस तरह की बात नहीं है, जैसी प्रियंका गांधी ने बोली थी, ट्रक के नंबर भर दिए थे और भर दिए थे ऑटो के नंबर, जब कोरोना में लिख दिया था कि हम यहाँ से भेज रहे हैं मदद, ये वो नहीं है, समझे, वो तो गाड़ियाँ आके खड़ी थी आपके सामने, आपके सामने थी, आपको आपके पास सारा ब्यौरा देख लिया था, 1000 गाड़ियों का। ठीक है, कोरोना पर बहस नहीं है, कोरोना पर बहस नहीं जाएंगे, वरना फिर बहुत कुछ राज खुल जाएंगे वहाँ तो। ठीक है, आप ट्रक के नंबर, गाड़ी के नंबर की बात मत करिए फिर, हमारी खड़ी थी। अरे ठीक है खेरा साहब कोरोना को लेकर बहस नहीं हो रही है, कोरोना को लेकर बहस नहीं हो रही है, मैं जिस बात पर चर्चा कर रहा हूँ उस पर रही है। अमेरिका के फोटो को कॉपी करके उत्तर प्रदेश को बदला नहीं जा सकता, उत्तर प्रदेश की जनता। अरे वाहिद साहब आप चुटकी लेकर बीपी मत बढ़ाइए, रुकिए, योगी शासन खेरा साहब को नहीं हुआ, समझ में आया, हर एक के शासन में दंगे हुए हैं, लेकिन योगी जी के शासन में दंगा नहीं हुआ, समझे, आप हमसे अपराध की बात कर रहे हैं, अपराध की सुन लीजिएगा। अरविंद कटारिया साहब ये कह रहे हैं कि आपके शासन में तो इतने दंगे हुए, इनके शासन में दंगा तो नहीं हुआ कम से कम, ठीक है। अरे राजस्थान में सीरियल ऑपरेट हो रहे थे, अरे महाराज सत्ता में है तो शांत से रहिए, ठीक है खेरा साहब, अरे विजय खेरा साहब जो कुछ सोच समझ कर आए हैं पहले ही सवाल के साथ बोल देंगे क्या, रुकिए, ठीक है खेरा साहब कटारिया स्टेट में जहाँ कांग्रेस सरकार नहीं बन रहे होता तो दोनों पहुंच जाते हैं, ठीक है खेरा साहब कटारिया साहब आपके आप जाइए, ठीक है राजस्थान में आप अपोजिशन में हैं, आप जाइए, आपको रोका कौन, ठीक है खेरा साहब हम रोकते नहीं, अरे भाई साहब प्रियंका गांधी इतनी शालीन नेता है, 5000 किसान सबूत नहीं मिटाते, अधिकारियों को बचाते नहीं, ठीक है आप दोनों लोग जाइए, ठीक है खेरा साहब रुकिए, भाई साहब आप भी रुकिए, ठीक है कटारिया साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि खैरा साहब कह रहे हैं कि आपकी सरकार में इतने दंगे हुए जिसकी कोई सीमा नहीं, उनकी सरकार में कम से कम कोई दंगा तो नहीं हुआ। मैं खैरा साहब से पूछना चाहता हूं, जो बुलंदशहर में इंस्पेक्टर को घेर के मार दिया गया था, जिसको 500 लोगों की भीड़ घेर के मार दी है, वो क्या था 2018 में, क्या था जी जी, और एसपी को पिटा दिया था ये, अरे मैं इनसे कहना चाहता हूँ ये साम दाम दंड भेद, ये सभी सभी तरीके से रुपए धन बल और आतंक से वोट को हासिल करते हैं, ईवीएम हो चाहे किसी प्रकार से, ईमानदारी से चुनाव नहीं होने देते हैं, आतंक लिया हमारे ऑलरेडी श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि इस बार ईवीएम की भी रक्षा करनी है, वोट की भी रक्षा करनी है, और कतई बेईमानी नहीं होने दी जाएगी, ईमानदारी से चुनाव होगा और एक एक वोट चलाया जाएगा। आप ही तो कह रहे हैं कि इनके पास धन भी है, बल भी है, शासन भी है, पुलिस की ताकत भी है, तो आप कैसे करेंगे, ये लोग इतने कूटनीतिज्ञ हैं कि हर जगह अपनी कूटनीति से काम चलाते हैं। आप देखिए
जब किसान आपको कौन मना कर रहा है कूटनीति से काम चलाने के लिए? कूटनीतिक ताकत होनी चाहिए। अरे हमारा तो ईश्वर साथ दे रहा है, देखिए किस तरह से लोग साथ दे रहे हैं। आज आप देख लीजिए किसान कैसा रो रहा है। 18 महीने में 36 रुपए पेट्रोल और डीजल बढ़ चुका है, समझिए। लेकिन कटारिया साहब, लेकिन कटारिया साहब, बीजेपी तो कह रही है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं आप नए कपड़े सिलवा कर एक बार फिर सामने आ जाते हैं, तो आप तो नए कपड़े सिलवा कर आते दोबारा से। 21 बार में ये समझ लीजिए 32 रुपया के आसपास 32 बार बढ़ चुका है। बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है, अगर ये लोग ईमानदारी से सरकार चलाए तो क्या इनको वोट ना मिले? इनको हो क्या गया? आखिरकार ये देश में करना क्या चाहती है? लगातार 2 साल से स्कूल बंद है, किसी भी विद्यालय के लिए ये एक आदेश नहीं पारित कर सकते हैं कि बच्चों की 20% फीस माफ कर दीजिए आखिर? अरे भाई, ये दो पतियों की सरकार है। हमारे आदरणीय नेता जी ने किसान के पुत्र है और वे इस देश की जनता की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में हर प्रकार से महिलाओं की और बेरोजगारों की और सबको रोजगार दिया जाएगा, 20 लाख का वादा कर दिया है, सभी लोगों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, लैपटॉप दिए जाएंगे, और जितनी 69,000 भर्ती बची हुई है सीधी भर्ती की जाएंगी, सभी को रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये ठीक है, आपने लैपटॉप का जिक्र किया, ये नई चीज निकल कर सामने आई है कि लैपटॉप देंगे, लैपटॉप देंगे। अब तो बीजेपी ने भी आपके फॉर्मूले को अपना लिया है, बीजेपी भी लैपटॉप की बात कर रही है, लैपटॉप देने की बात कर रही है। कितने वादे, इन्होंने तो 20 लाख का वादा किया था, एक इनका वादा पूरा हुआ है। आज बताइए, आज जनता किस तरह त्राई त्राई माम त्राई आपको माम, लगता है कि ये फ्री का, आपको लगता है कि ये फ्री का लैपटॉप देने की जो चीज है ये इससे वोट वोट मिलते हैं? किसान अपना गल्ला कहां भेजने जाएगा? नहीं नहीं, अरे आदरणीय, नहीं ये जो सियासत का, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ये ठीक है ये जो सियासत का नया पैंतरा है कि लैपटॉप बांट दीजिए, आईपैड बांट दीजिए, मोबाइल फोन बांट दीजिए, ये एक नया तरीका है लालच देने का वोटर्स को, जो यंग वोटर्स है। पैसे वाले घर का बच्चा लैपटॉप खरीद सकता है, एक किसान का बेटा लैपटॉप कहां से लाएगा? ऑनलाइन देखिए, बच्चों ने गाँव में ऑनलाइन पढ़ाई की है सिर्फ लैपटॉप की वजह से। ये तो चाहते है कि SC ST OBC के बच्चे पढ़ाई ना करें, अगर गांव का चाहे किसी भी समाज का बच्चा हो, गांव के बच्चों को ये पढ़ने के हक भी नहीं है, चाहे बेशक वो ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, गांव का बच्चा कैसे पढ़ेगा आखिरकार? अब बताइए, अभी तक जब इतनी बड़ी समस्या चल रही, इन्हें कम से कम उत्तर प्रदेश में कम से कम अपनी सरकार थी, इनको लैपटॉप हर बच्चे। राजनीति का सबसे सस्ता तरीका है, राजनीति का, कि ठीक है मुफ्त में आपको लैपटॉप दे देंगे, हम मुफ्त में आपको साइकिल दे देंगे, हम मुफ्त में आपका घर बनवा देंगे, मुफ्त में आपके घर पर लाइट लगवा देंगे, हमारी सरकार आएगी तो मुफ्त में मोटरसाइकिल भी दे देंगे। आपको पता है गरीब का बच्चा है स्कूल में पढ़ने कैसे जाता है, कितनी देर कितनी दूर विद्यालय होते हैं, तो आप एक अल्टो कार भी दे दीजिए। स्कूल नहीं चल रहा है, आप बताइए, आप मुझे जवाब दे कि गरीब का बच्चा कैसे पढ़ाई करे ऑनलाइन, बताइए आप। अरे इनके सरकार जब स्कूल ही नहीं होगा तो क्या पढ़ाई करेगा, कहाँ से ऑनलाइन करेगा? राजकोष विद्यालय चल रहे हैं, आप गाँव की स्थिति जानते हैं? गाँव की स्थिति देखिए आपने उत्तर प्रदेश की, विद्यालय में ना तो मास्टर है, ना तो विद्यालय में कोई बोर्ड है, ना तो विद्यालय में किताबें हैं, ना तो विद्यालय के अंदर घुसने का रास्ता है, ना दरवाजा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना लाइटें हैं। ये स्थिति है आपकी सरकार से लेकर आज तक, और आप बांट रहे हैं उसको लैपटॉप। सरकार में हर बच्चे का स्कॉलरशिप आ रहा था, प्रॉपर विद्यालय चल रहे थे, 1090 महिला हेल्पलाइन थी, और नहीं नहीं आप समझे नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं। आपने कहा कि हमने लैपटॉप दिए क्योंकि विद्यार्थी पढ़ते थे, आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, जब विद्यालय में तो मास्टर ही नहीं थे और ऑनलाइन क्लासेस खैर चलती भी नहीं थी, तो आप क्या पढ़ाई करवा रहे थे? समाजवादी सरकार ने एम्बुलेंस दी, आज इस पे धूल जमा हो गई है। हमारे हमारी सरकार में सब कुछ प्रॉपर था और शिक्षा की बहुत स्तर बढ़ गया था, उन्होंने ये तो गाँव के विद्यालयों को नाश करना चाहते हैं। ये तो कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस में बनवा दिया, पीठ थपथपा रहे हैं अपनी, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस इन्होंने सिर्फ पैसा काटने का काम किया है, अब अभी अखिलेश यादव ने जमीन पे कार्ड करी, उनको पैसा दिया, समझे? ठीक है, देखिए होता क्या है ना, चुनाव जब नजदीक आते हैं, सुनिए एक मिनट, दर्शकों से बातचीत कर लूं। देखिए कटारिया साहब, होता क्या है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सारी पार्टियां क्या करती हैं, बड़ी तेजी से एक्टिव हो जाती है, एक एक्टिव मोड अपने अंदर ऑन कर लेती हैं, लोकार्पण भी होते हैं, शिलान्यास भी होते हैं, रोजाना हम सुनते हैं कि आज 1,000 करोड़ की जो योजनाओं का लोकार्पण हुआ, इतने 500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हुआ, और अगर सत्ता परिवर्तन हो गया और वही काम आगे बढ़ गया तो कहते हैं कि ये तो हमारी सरकार में हुआ था। ऐसा होता है, मैं ये कह रहा आपने काम नहीं किया, आपने भी काम किया, लेकिन सरकार से पार्टियों के चेहरे बदलते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते हैं, सरकार तो वहीं की वहीं रहती है ना जी। हाथ कंगन तो आरती क्या, पढ़े लिखे को फारती क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड देख लीजिए, आप
आप चाहे मेट्रो, पहले नेताजी मेट्रो लाए, इसके बाद गाजियाबाद में आदरणीय अखिलेश यादव जी मेट्रो लाए, तारी मनिया श्री अखिलेश यादव जी ने कन्नौज तक में इतना। अरे मायावती जी ने तो एक बार मेट्रो का जिक्र कर दिया था बस, तो बसपा वाले कहते हैं कि मायावती जी मेट्रो लेकर आए। आप ये कोई भी एक काम बता दें जो उन्होंने 5 साल में पूरा किया हो, 4.5 साल, और जो SC ST OBC के बच्चों की स्कॉलरशिप आती थी इन्होंने उसको बंद कर दिया। आज मेडिकल के छात्र ठीक है, सरकार ने जो नेटवर्क था उन्हीं ने फैलाया। आप 5 साल से क्या कर रहे थे, मूंगफली खा रहे थे? आपकी बात कहिए। अभी ये कह रहे थे, पहले तो आपकी बात करें, आप कह रहे थे कि इनके ठीक पास, आप अपनी बात रखिए, फिर राहुल तलान साहब से बल नहीं है, इनके पास आपराधिक तंत्र है, सपा के पास अभी भी बचा हुआ, आधा ही शक्ति इनकी जेल में गई है, आधी शक्ति अभी बाहर है, तो आपकी विफलता है ना ये, अभी आधे पकड़े जा नहीं सके हैं, तो आपकी विफलता भी आ जाएंगे लाइन में, या जनता उन्हें लाइन में कर देगी इस चुनाव में अपनी बार, तो इनका काम तो हो जाएगा यहीं पर खत्म। रहा बांटने का, लैपटॉप बांटना तो ठीक है विद्यार्थियों को दे रहे हैं, लेकिन लोग तो स्कूटी बांट रहे हैं ना, अभी कार भी बांटेंगे। आप कांग्रेस की दो बातें जरा ध्यान से सुनिएगा, स्कूटी बांटेंगे एक और 40% महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। अरे सपा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की आप बात का जवाब दे रहे हो, वो नेता जो है अरविंद कटारिया साहब, वो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आपसे सवाल किया, आप लपेटे में कांग्रेस को भी ले रहे हैं। अरविंद कटारिया साहब आपके अंदर उत्सुकता बहुत, संयम की थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा धैर्य। मैं माफी चाहता हूं, एक प्रश्न है, ये चन्ना और नन्ना और अडानी के पैसे जो 20,000 करोड़ माफ कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश और भारत में किसी गरीब बच्चों को लैपटॉप और स्कूटी दी जाए या कोई कुछ देता है मदद करता गरीब बच्चे की, स्कूटी नहीं है, आप उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, आप नहीं चाहते, देखिए खैरा साहब, आप इस तरीके से चुटकी नहीं ले सकते, इस तरीके से मौज नहीं ले सकते। हाँ जी, आप किसान के बेटे हैं, ठीक है अरविंद कटारिया साहब, अब जवाब दीजिए, जब इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, सब्सटेंस नहीं होगा तो यही काम करेंगे, आप जवाब दीजिए उनकी बात का, जवाब दीजिए आप, हम आपसे बात कर रहे हैं उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, हर लाइन पर घुस जाएंगे। नहीं, वो सवाल कर रहे हैं कि अडानी अंबानी का जो कर्जा है आप उसको माफ कर देते हैं। एक मिनट कटारिया साहब अब रुकिए। खैरा साहब, कटारिया साहब आप पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अडानी और अंबानी का जो कर्जा है 1,000 करोड़ों का, वो तो आप माफ कर देते हैं, लेकिन जब वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता तक स्कूटी पहुंचाई जाए, आम जनता के हाथों तक लैपटॉप पहुंचाया जाए, तो आपको भारी समस्या आन पड़ती है इसमें। जवाब लाइए। एक सेकेंड, आप 100% करने के बाद 2 का जवाब सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, बोलिए जवाब दीजिए। ये कहा था लैपटॉप देना तो ठीक है बच्चों को, स्टूडेंट्स के लिए, गरीब लोग नहीं कर सकते, आज की शिक्षा में लैपटॉप एक आवश्यकता बन गई है, ये कहा था। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, लोग यहाँ पे पहुंच गए, स्कूटी भी दे रहे हैं, अगर स्कूटी दे सकते हैं तो अच्छी बात है, कार दे दें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये वो बातें बोल रहे हैं जो असंभव है, मैं ये कह रहा था, उसका जवाब ये नहीं था। दूसरी बात, हमने लैपटॉप देने की बात की थी तो तकरीबन लगभग तो लैपटॉप बांटे ही गए थे, हाथों तक तो लैपटॉप पहुंचे थे। अगर आप दूसरा ये अभी कह रहे थे एक्सप्रेस इनका बनाया हुआ है, फलाना इनका बनाया हुआ है, लैपटॉप आपका बनाया हुआ है क्या?
लेकिन जो बनाया है 20 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया आप है, कर रहे हैं? वो क्या झूठ है? आप तो विधायक और एमपी और सारी सरकार वो खरीदने में लगे हुए हैं। इसका लड़ना है 30-30। आपने जो जो अंबानी की बात आप कर रहे थे, अंबानी का कर्ज किसने माफ कर दिया? आपने अपने घर में कर दिया लाखों हजार करोड़ रुपए माफ कर दिया। तो मालूम है भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई कर्ज माफ नहीं किया। जब आप यहाँ बैठ के कुछ भी बोलते रहे तो इलाज जाने कितनी कंपनियों का 10-20 कर दिया। और जो लोग बाहर भागे हुए उनको भी बता दें, उन सबके कर्ज कांग्रेस शासन में लिए गए थे यूपीए सरकार में। हमने एनडीए ने कोई कर्जा नहीं दिया, जो लोग भागे हैं बाहर। अरे साहब, कर्जा दिया गया था, कर्जा भगाने का काम किया गुजरात के लोग ही। पाकिस्तान के लोग भागे हैं, आज के मंत्री से मिल के लोग भागे हैं। गुजरात के लोग ही क्यों ज्यादा पैसा लेके भाग रहे हैं? हमारा दिया हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश और बंगाल का आदमी क्यों पैसा लेके भाग रहे हैं? हम उन्हें पकड़ के ला रहे हैं। आज पैसा को लूटने में गुजरात के लोग आगे। अब आपकी सरकार ने दिया है, लगाने का काम आपकी सरकार ने किया है। नॉट इवन वन। सरकार आपकी, पार्टी आपके अंदर। अब आपके जमाने में भाग जाएंगे प्रदेश छोड़ के? आपने कर्जा दिए हैं, वो हमारे कर्जे दिए हुए नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। हमने तो किसानों का कर्जा उतारा है, तभी किसानों को सड़कों पर उतारा है। उतारा है, सड़क पे बैठे हुए हैं किसानों का। चलिए ठीक है, हम अलग मुद्दों पर नहीं जाएंगे। ठीक है, रुके, राहुल तलान साहब के पास चलते हैं। ठीक है, आप तीनों लोग रुक जाइए, मुद्दों को इधर के उधर डाइवर्ट मत करिए। अपनी अपने कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से मुद्दों को इधर का उधर डाइवर्ट मत करिए। खैरा साहब आप रुकिए, खैरा साहब समय समाप्त, रुकिए। ठीक है, राहुल तलान साहब ये जानना चाह रहा था। राहुल तलान साहब, आप सभी को सुन रहे हैं, बीजेपी कहती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसकी देन है, समाजवादी पार्टी कहती है कि ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो है ये उसकी देन है। ये कहते हैं कि उन्होंने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने विकास किया, और जब पूछा जाता है कि ये दरअसल बनवाया किसने, तो वो कहते हैं कि हमने बनवाया। दूसरा कहता है कि नहीं भैया, हमारी सरकार थी तब ये बनना शुरू हो चुका था, ये तो बस फीता काटने चले आए। तो ये जो कहते हैं कि हमने बनवाया, वो कहते हैं हमने बनवाया, वो कहते हैं विकास हमने किया, वो कहते हैं विकास हमने किया, जो आखिरी जो एक गांव देहात में, जो एक कस्बे में, जो एक माँ बैठी है, बेटा बैठा है, एक सामान्य व्यक्ति बैठा है, नौकरी वाला, एक प्राइवेट नौकरी वाला, बेरोजगार बैठा है, हर तरह के जो लोग बैठे हैं, वो क्या समझें, क्या समझ में आता होगा उनके से? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो लगातार होगा। अगर जो कोई भी कि मतलब जनता ये नहीं समझ पाती कि दरअसल ये काम किया किसने है और झूठ कौन बोल रहा है। देखिए, ये जनता के पैसे से हुए काम है, ना तो किसी सरकार ने किए हैं। ये मैंने जैसे बोला कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो कोई ये बोले कि इस सरकार में विकास नहीं हुआ, विकास लगातार होता रहता है, क्योंकि जब आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकारें या नेता अपने घर पैसे छाप रहे हैं, जनता से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, अब जनता से टैक्स ले रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, और जीएसटी पेट्रोल और शराब पे और सिगरेट और तंबाकू पे इतना टैक्स कलेक्ट करते हैं, आपको लगाएंगे कहां? वो लगाना है आपको, और ये सतत प्रक्रिया है। ये कोई एहसान नहीं करती है कोई पार्टी पूर्वांचल एक्सप्रेस बना के या यमुना एक्सप्रेस बना के। लेकिन नहीं, लेकिन सरकारों की नीयत के हिसाब से ज्यादा विकास कम विकास भी उस पर। हाँ बिल्कुल, देखिए विकास एक, जैसे विकास में भ्रष्टाचार कितना हुआ, सवाल ये है कि विकास तो होगा, लेकिन उस विकास में से कितना नेताओं ने कितना पैसा खाया, अधिकारियों ने कितना पैसा खाया, ठेकेदार ने कितना पैसा खाया, सवाल ये जेनुअने और ये उठने चाहिए कि किस सरकार में कम भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें कम भ्रष्टाचार हुआ जनता का उत्तरदायित्व है कि उसको रिपीट कर दे। आपका विश्लेषण क्या कहता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, कौन सी सरकार में? ठीक है, तलान साहब आपका विश्लेषण क्या कहता है कि कौन सी सरकार में जो अधिकारी थे, जो लोग लगे हुए थे, ज्यादा भ्रष्टाचार कर गए, नहीं होना चाहिए था उतना? देखिए, मुझे लगता है कि जो करंट सरकार है उस लेवल का भ्रष्टाचार नहीं है, कम भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसे कि खेरा साहब ने बोला कि बिजली की बात बोली, उन्होंने बिजली निश्चित तौर पे बढ़ी है, बिजली गांव में 18 और 20 घंटे आ रही है। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, मैंने देखा है अपने गांव में जाके 18 घंटे बिजली आ रही है। जो चीज है जेन्युइन वो है, लेकिन और भी ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिले बीजेपी की सरकार में, ऐसा ही बात है कि रोजगार नहीं मिले, और भी बहुत सारी समस्या रही है बीजेपी की सरकार में। जो जिन साहब इनकी सरकार में सब कुछ खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया, पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया, अरविंद जी बच्चों की स्कॉलरशिप खत्म हो गई, मेडिकल छात्रों की स्कॉलरशिप खत्म हो गई,
पीएडीए खत्म हो गया, मेडिकल भत्ता खत्म हो गया। कटारिया साहब, कटारिया साहब, वो किसानों के अधिकार खत्म कर दीजिए अपना पक्ष। कटारिया साहब रुकिए, अरे कटारिया साहब, कटारिया साहब, कटारिया साहब, कटारिया साहब उनको बात रखने दीजिए, कटारिया साहब, कटारिया साहब उनको बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए, कटारिया साहब उनको अपनी बात रखने दीजिए, कटारिया साहब, कटारिया साहब, अरे कटारिया साहब, कटारिया साहब, बड़ा विनम्र निवेदन है आपसे, उनको अपनी बात रखने दीजिए। अरे आप कहीं से एक्सप्लेन करें, इतनी महंगाई बढ़ाई आपने, आज तक भारत में 8% जीएसटी। कटारिया साहब वो आपके खिलाफ बोलने वाले थे क्या? आप तुरंत भड़क गए। जो 70 साल में कमाया गया है लोगों ने बनाया है, अभी सब देख दिए गए। अपनी बात रखनी है तो बिल्कुल शालीनता से रखिए। अपराध और भ्रष्ट बात करोगे तो फट से चल जाएंगे। आप लोग रुकिए, वरना सबके ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। आप लोग रुकिए, लगेगी। आप लोग रुकिए, नहीं आप लोग रुकिए, आप लोग रुकिए। राहुल तालान साहब बता रहे हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं, उनसे सुनिए, उनको सुन लीजिए, उनको समझ लीजिए। आप लोग जैसे बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, देखिए इससे ये नहीं है कि आपने जो विकास कार्य किए तो उनको जनता समझ पा रही है, बीच में बोलने से नहीं समझ पाएगी। आपको अपने टर्म पे अच्छे से बताना है तो जनता तब समझेगी, हाँ भाई आपने एलिवेटेड रोड बनाया था गाजियाबाद का, तभी तो जब आप उसको कह पाएंगे तभी तो। ऐसे बीच में बोलने से मुझे नहीं लगता है कि जनता तक बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाता है। और रही बात सरकार की, देखिए बहुत ऐसा नहीं है कि बीजेपी, जहां तक मेरा विश्लेषण बोल रहा है कि, और मैं यूपी में घूम रहा हूं और मैंने देखा है कि बीजेपी बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब स्थिति में बीजेपी ऐसा फाइट नहीं कर रही है या बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में। निश्चित तौर पे फाइट बीजेपी और सपा के बीच है, ये बिल्कुल कंफर्म। और कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, समाजवादी पार्टी, बसपा भी दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वो ठीक है, लेकिन आपको समाजवादी पार्टी को भी तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। प्रियंका गांधी सड़कों पे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जितनी फाइट प्रियंका गांधी कर रही है। जबकि सच बात यह कि कांग्रेस का कोई कैडर नहीं है यूपी में, यूपी में कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ना यूपी में कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है, ना बूथ लेवल पे कार्यकर्ता है, और तो पूरी ब्लॉक की टीम भी नहीं है कांग्रेस के पास यूपी में। उस स्थिति में प्रियंका गांधी यहां लड़ाई लड़ रही है, तो वैसे ही समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी है और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से आपको लड़ना है। बीजेपी के पास जैसा संगठन है इस वक्त देश में, किसी पार्टी के पास संगठन नहीं है। ठीक है, वाजिब सवाल है आपका, ठीक है। ना बीएसपी पास है, ना बीएसपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ठीक है। बहुत बीजेपी का संगठन इतना मजबूत, और आपको जब उस संगठन से लड़ना है तो आपको मजबूत दिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्वीट ट्वीट खेल के आप जनता के दिल में आ जाएंगे, ठीक है। सड़कों पे आना पड़ेगा प्रियंका गांधी की तरह समाजवादी पार्टी को, अगर जो बीजेपी से फाइट करनी है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरविंद कटारिया साहब के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमाम वाहिद साहब से एक सवाल लेना चाहूंगा। हमाम वाहिद साहब ये बताइए कि अभी राहुल तालान साहब भी जैसा बता रहे थे, और मेरे मन में भी वही सवाल आया, वाजिब सवाल है कि ठीक है, प्रियंका गांधी फ्रंट पर फाइट कर रही है, प्रियंका गांधी काफी एक्टिव है, ये सच बात है। प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा भीड़ जुटाऊ नेता है कांग्रेस की इस वक्त, ये भी वाजिब, बहुत सीधी बात है, स्पष्ट बात है। प्रियंका गांधी फाइट भी कर रही हैं, लड़ भी रही हैं, पूरी तरह से एक्टिव भी हैं, आक्रामक भी हैं, हर तरफ सबसे आगे फ्रंट में उत्तर प्रदेश में इस वक्त, जैसा हम देख पा रहे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कैडर की, जो प्रियंका गांधी के आसपास जो लोग दिख रहे हैं, दरअसल लोग कहते हैं कि उतने ही कार्यकर्ता हैं। हम जब छोटे जिलों के, जब कस्बों वस्बों में जाते हैं कहीं, तो पार्टी का कार्यालय भी नहीं है, उसके कैडर के लोग भी नहीं हैं, कार्यकर्ता भी नहीं है, तो आपके पास कैडर नहीं है। आपके पास एक नेता तो है, एक चेहरा तो है, जो फाइट तो कर रहा है और अच्छी मजबूती के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन जब जमीन पर, जब कार्यकर्ता ही नहीं है, तो कब तक लड़ पाएंगे बीजेपी से, जिसके तो लाखों किसी गांव में भी चले जाए तो भी एक पार्टी कार्यालय है उनका वहां पर। हाँ बताइए, लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ है, ये विरोधियों की भाषा है। मैं आपको बताता चलूं, 2017 के बाद से भाई अभी तक कांग्रेस के 1,00,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हुए, और अभी हमारी न्याय पंचायत, कोरोना काल के दौरान की बात कर रहा हूं, कोरोना काल के दौरान की, मैं 2017 के बाद से अभी तक ही मैं बता रहा हूँ, 1,00,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज किए गए। और हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर 40-45 मतलब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये कौन लोग हैं? प्रियंका गांधी अकेले नहीं, प्रियंका गांधी के साथ एक पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता है और एक जनसैलाब है। दूसरी बात मैं विजय कुमार जी को बताना चाहता हूं कि उनको आपत्ति किस बात के, इस बात पर क्यों है कि अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की महिला के सशक्तिकरण के लिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के जो सपने थे उसको पंख लगे उसके लिए स्कूटी देने का ऐलान किया है, तो इनको आपत्ति? क्या ये चाहते हैं कि दलित की बेटी स्कूटी से ना चले?
क्या चाहते हैं, गरीब की बेटी स्कूल न चले, और कांग्रेस पार्टी ने जो उसमें जोड़ा है सबसे बड़ी बात, अरे तो सवर्ण की बेटी भी स्कूटी से चल सकती है, उसमें क्या समस्या है? जो पैसे कमाए हैं इनके लगातार आपने कहा कि दलित की बेटी स्कूटी से ना चले, ये नहीं चाहते हैं, तो अगर कोई गरीब सवर्ण की बेटी है तो वो भी तो स्कूटी से चल सकती है, उस पर आपको क्या समझ? बिल्कुल चले, सर्व समाज आपने जिक्र क्यों नहीं किया? आपने जिक्र नहीं किया, अरे हर किसी की गरीब बेटी है तो स्कूटी से चले, अच्छी बात है, इसमें दलित की गरीब में सारे समाज आते हैं, ये सोच जो है ये राजनेताओं की जो बात कर रही है, है सोच जो ये गलत है। आप बताइए क्या दलित की बेटी है तो गरीब ही होगी, आपने कैसे आकलन कर लिया? मैं कहां कह रहा हूं, मैंने कहा गरीब की बेटी, कहा कि गरीब दलित की बेटी स्कूटी से चले, गरीब में बैकवर्ड आता है, आपने कहा कि दलित की बेटी स्कूटी से चले, इस चीज से इनको परेशानी है, सवर्ण की बेटी स्कूटी से चले, दलित की भी बेटी बोला, उसके बाद गरीब की बेटी बोला, अगर कोई संपर्क क्यों ना हो तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया है, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की हर बेटी के लिए स्कूटी देने का काम किया है, और साथ में वो बैटरी वाली स्कूटी, भाजपा ने जो पेट्रोल का रेट बढ़ाया है, जो पेट्रोल का रेट बढ़ाया है, गरीब की बेटी, दलित की बेटी, सवर्ण की बेटी, बैकवर्ड की बेटी कैसे चल पाएगी? कांग्रेस पार्टी ने स्कूटी को भी बैटरी वाली देने का काम जुमला नहीं है आपके तरीके से, रोजगार के नाम पे आपने जुमला दिया, बिजली के नाम पे आपने जुमला दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने जुमला दिया, जनता देख रही है, आपके कुशासन से जनता तंग आ चुकी है, और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता आपको खदेड़ कर दम ले। आपको लगता है कि जनता 15-20 साल से कुछ नहीं देख पाई और इस बार देख रही है, इतने सालों से सत्ता में बाहर रहे, इस बार देख रही है? कौन साहब, अब मैं बोलूं क्या? कांग्रेस पार्टी ने, एक मिनट, हाँ हाँ बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 30-32 साल से सरकार में नहीं है, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों ने सिर्फ कांग्रेस के जमाने की लगाई हुई, चाहे वो कताई मिले हो, चाहे वो शुगर मिले, उसे बेचने का काम। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ 2012 से एक मेडिकल कॉलेज बन नहीं पा रहा हमारे, यही सोच रहा था, आप कभी ये ना बोलते कि बीजेपी आज जिन योजनाओं को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है उसका शिलान्यास भी आपने किया था। चलिए ठीक है, अरविंद कटारिया साहब के पास आते हैं, ठीक है, अरविंद कटारिया साहब के पास, फैकल्टी का अपॉइंटमेंट हुआ और उद्घाटन हो रहा है। नहीं, मैं बहुत देर से यही सोच रहा था कि ठीक है, सपा वाले कहते रहते हैं, कहीं आप ना ये बात बोल दें कि हमने जो काम किया था उसका शिलान्यास भी बीजेपी आज कर रही है। ठीक है, चलिए अरविंद कटारिया साहब के पास आते हैं। अरविंद कटारिया साहब, जैसा कि अभी कहा गया, रुक जाइए, ठीक है। तो अरविंद कटारिया साहब, जैसे कि आज आपकी पार्टी में 7 लोग आ गए हैं, इससे पहले कल आपकी पार्टी में भी 2 बड़े चेहरे मलिक परिवार के आए हैं, आप ये जो दूसरों को लेने का काम कर रहे हैं, ये कई दफा हमने देखा है, आपने भी राजनीति को बड़ी करीब से देखा होगा, हमने भी समझा है, कभी कभी बैकफायर कर जाता है ये। जी काविंदर जी, हाँ काविंदर जी, इस बार स्थिति आप देख रहे होंगे बहुत अलग है। अभी एक आदरणीय मोदी जी ने बनारस में बहुत बड़ी मीटिंग की, आपने देखा वहां पर, हाँ, जो पैसे से भीड़ लाई गई और इसके बावजूद कैसी कुर्सियां खाली रही। माफी चाहूंगा एक सेकंड रोकने के लिए, आखिरी कमेंट रहेगा, 30-30 सेकंड लेंगे सिर्फ, 30-30 सेकंड, जिस पे प्लास्टर नहीं हुआ है और बीजेपी ने उसका उद्घाटन आदरणीय योगी जी ने कर दिया जाके, आप देख रहे हो इतनी जल्दबाजी, अभी तक उन्होंने 4.5 साल कोई काम नहीं किया, किसी तरह कोई प्रोग्रेस नहीं की, और उन्होंने मेडिकल कॉलेज को जिसमें प्लास्टर नहीं हुआ उसका उद्घाटन कर दिया। एक्चुअली में क्या है, जनता सब समझ रही है, ठीक है, 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, जनता सब समझ रही है, आपने जो काम किया उस काम का जो सारा क्रेडिट है वो बीजेपी सरकार आकर ले गई, ठीक है, बीजेपी की तरफ से विजय खेरा, 20 सेकंड में आप जवाब दीजिए, ठीक है, वो कह रहे हैं जो कुछ समाजवादी पार्टी करती रही, आप सत्ता में आए, आप सबका सब क्रेडिट खा गए। मुझे कहना है क्या जी? आप ही सवाल है। ये क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्या करती, अरे सारी जमीनें लूट ली, लोगों की जमीनों पे कब्जा कर लिया, मकानों पे कब्जा कर लिया, हर जिले हर ब्लॉक में इतने सारे लोग पकड़े गए हैं, आपके सामने वो गुंडे भी हैं जिन्होंने 200 एकड़ जमीन कब्जा कर ली। चलिए ठीक है, झगड़े के साथ आपको यही छोड़कर जाते हैं, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो चर्चा थी दरअसल इस बात पर थी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने
अभी तक जहां उत्तर प्रदेश की सियासत में यह तक तय नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आखिर किस तारीख पर होंगे, लेकिन उससे पहले ही जब शंखनाद हो चुका है चुनावी संग्राम का, तो ऐसे में जो तोड़फोड़ होती है, जो भगदड़ होती है, अमूमन हर चुनाव में हमको देखने को मिलती है। तो आज यहां समाजवादी पार्टी ने शुरुआत कर ली है, समाजवादी पार्टी ने द्वार खोल लिए हैं। कल कांग्रेस से 2 लोग आए थे, तो आज 7 लोग 2 पार्टियों से आए हैं। ऐसे में ये जो समागम चल रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के दरवाजों से विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं, अन्य पार्टियों के जो लोग हैं, अन्य दलों के जो लोग हैं, जो लगातार आते जा रहे हैं, तो क्या इससे कोई फायदा होगा? या फिर जैसा बंगाल में हमने देखा था, जहां पर बीजेपी के द्वार जब खुले थे तो ऐसी भीड़ आती दिखी थी, ऐसा लगा था कि मानो एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, लेकिन आखिर में हुआ कुछ भी नहीं। तो ये सब कुछ सिर्फ आंधी है या फिर एक धुंधली तस्वीरें हैं जो चुनाव के बाद साफ होती नजर आएगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी सत्यमेव जयते में। तब तक के लिए शुक्रिया।